हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो पे चली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2023 मॉडल को वॉश और क्लीन कैसे किया जाता है, मशीन में आइसक्रीम कैसे बनाना जाए, कैसे बनाया जाता है, रेसिपी कैसे बनाया जाता है, मशीन में डाला कैसे जाता है, उसकी बहुत सारी वीडियो डाली है। लेकिन आज मशीन को प्रॉपरली वॉश और क्लीन कैसे करना है उसकी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। फिलहाल हमारी जो मशीन है वो ऑलरेडी रन चल रही है, रनिंग हो रही है। इसके अंदर आइसक्रीम जम रहा है। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जूम करके बताइए डिस्प्ले को, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 100% आइसक्रीम है, शेप बन गया है, -8 का टेम्परेचर है। फिलहाल मशीन वर्किंग पोजिशन में है, बिजनेस करने के लिए रेडी है। इसके अंदर से आइसक्रीम बन के तैयार निकल रही है, आप देख सकते हैं। ये ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टी आइसक्रीम निकल रहा है मशीन के अंदर से। आप देखिए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में से निकल रहा है। अभी इसको आपको रात को मशीन बंद करना है, बिजनेस बंद करना है, धंधा बंद करना है, तो यहाँ पे बटन दिया गया, यहाँ पे आप इसको बीच में पुश कर देना है इसको, इसलिए ये मेन फंक्शन में आ जाएगी। मेन मेनू आ चुका है, अभी मेन मेनू में आपको इसको यहाँ पे डी फ्रोस्टिंग का बटन दिया है, डी फ्रोस्टिंग का बटन दबाना है, इसलिए अंदर जितना भी हमारा मटेरियल पड़ा है उसको आसानी से मशीन के अंदर पिघल जाएगा। जैसे अभी -8 का टेम्परेचर है, ये आप देखिए जो कंप्रेसर ठंडे का काम करता है वही कंप्रेसर अभी इसको हीटिंग करने का काम स्टार्ट कर रहा है, माइनस में से प्लस में आ रहा है। आप देखिए +5 है, +4 है, +3 है, उसको आइसक्रीम अंदर चर्नर में जो भी जमा हुआ है वो आइसक्रीम को फिलहाल अभी अंदर से पिघल रहा है, अंदर से लिक्विड बेस बन रहा है, आइसक्रीम को पिघल रहा है। अराउंडली 1 मिनट के अंदर, हमें कोई वीडियो को कट नहीं कर रहे, आपके सामने लाइव टू लाइव दिखा रहे, जिससे आपको मालूम हो कि कैसे बेहतरीन फास्ट और स्पीड से प्लसिंग टेम्परेचर में आ रहा है मशीन। आप देखिए +2 -8 में से +2 अराउंडली 20 सेकेंड के अंदर आ चुका है। दोस्तों अराउंडली 1 मिनट के अंदर इसका टेम्परेचर हो जाएगा +20 का टेम्परेचर हो जाएगा। जो हमारा मटेरियल अंदर आइसक्रीम बना हुआ है उसको वापिस आपने जैसे सुबह मिल्क बेस में डाला हुआ था, जिसको लिक्विड बेस में डाला हुआ था वो अभी लिक्विड बेस बन रहा है। अपना मटेरियल जो बन रहा था आइसक्रीम में वो वापिस लिक्विड बन के आप उसको स्टोरेज कर सकते हो, अगले दिन हमारे को ये मटेरियल को यूज करना है। इसके हिसाब से हमें मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको पिघाल रहे हैं। दोस्तों जाइए पीछे, यहाँ पे अभी आपके सामने हमने आइसक्रीम निकाला और अराउंडली 1 मिनट के अंदर इसका क्या पोजीशन हो जाता है वो आपको लाइव वीडियो के अंदर सर्विंग करने वाले दोस्तों, लाइव वीडियो के अंदर शो करने वाले हैं। इसके अंदर ये 10 का टेम्परेचर ऑलरेडी आ चुका है और मशीन को नॉर्मल वॉश, डेली वॉश और हर 3-4 दिन में डीप वॉश, डीप क्लीनिंग कैसे किया जाता है वीडियो के अंदर टोटल आपको डिटेल देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहे, तभी आपको इसको नॉलेज मिलेगी कि ये मशीन को वॉश कैसे किया जाता है दोस्तों। और ये मशीन को प्रॉपरली आप डेली और 3-4 डे के अंदर डीप वॉश अगर करते हो प्रॉपरली, तो मशीन के अंदर लॉन्ग टाइम तक कोई प्रॉब्लम या कोई फॉल्ट नहीं आती दोस्तों। अगर ये काम आप नहीं करते हो तो मशीन के अंदर दिक्कत या प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। डीप वॉश ऑलरेडी हो चुका है, अभी हमारा जितना मटेरियल बचा हुआ है दोस्तों, ये मटेरियल को हम यहाँ पे वॉश का बटन दबा के, आप देखिए ये वॉश का बटन दबा देना है आपको, वॉश का बटन दबा के हम यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे। जहाँ से आप आइसक्रीम निकाल रहे हो वहाँ से आपको इसमें से डिस्ट्रॉय करना है, इसको हैंडल खींच के वहाँ से आपको निकालना है इसमें से। आप देखिए हैंडल हम दबा रहे हैं, अभी धीरे धीरे जो मटेरियल पिघला है वो इसके अंदर से लिक्विड भेज आ रहा है। देखिए पहले इसमें से आइसक्रीम आ रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर से मटेरियल लिक्विड बेस में बन के बाहर आ रहा है सब। देखिए जितना मटेरियल प्रॉपरली हैंडल खींचने से लिक्विड बेस में निकल जाता है बाहर, उतना हमारे को निकाल के अच्छे से अपने घर के फ्रिज में इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में, जहाँ पानी का बोतल या मिल्क का बैग आप रखते हो वहाँ पे इसको रख देना है, जितना मटेरियल हमारा बचा हुआ है दोस्तों। अब देखिए जितना मटेरियल था हमारा लास्ट एंड तक, उतना मटेरियल इसके अंदर से आ रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है इसके अंदर से और आखिरी आखिरी बूंद निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं। जितना मटेरियल अपने को आता है उतना आपको अच्छे से इसको निकाल देना है एक बार। अब देखिए जो आइसक्रीम फॉर्म था वो भी निकल रहा है इसमें, पीछे पीछे लास्ट में जो पिघला नहीं था आइसक्रीम फॉर्म में था वो भी इसके अंदर से आइसक्रीम बन के निकल रहा है। अब देखिए जो भी अपना बेस्ट मटेरियल है, जो भी अच्छा मटेरियल है, प्रॉपरली इस तरीके से निकल जाएगा। आप देखिए आगे।
ये पूरा मटेरियल हमारा टोटली ऑल एंड सोल निकल चुका है, मोस्ट ऑफ मटेरियल निकल चुका है इसमें से। इतना बाउल है, अपना घर का फ्रिज है, इसके अंदर आपको जाके रख देना है, इसलिए आप अगले दिन इसको आप यूज कर पाएंगे मटेरियल को। अभी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, इसके अंदर आपको अराउंड 1.5 से 2 लीटर पानी नॉर्मल वाटर डालना है। हमारे पास नॉर्मल वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, हमें टैंक में डालेंगे। यहाँ पे पूरा टैंक खाली हो चुका है, दिखाइए, आप देखिए पूरा टैंक खाली हो चुका है, अभी हम नॉर्मल वाटर इसमें डालेंगे। ये वॉश बटन पे ही आपको रहने देना है, नॉर्मल वाटर डाल के अराउंडली आपको 1 से 1.5 मिनट तक इसको चलने देना है, 1 मिनट टू 1 मिनट 30 सेकंड तक इसको आपको चलने देना है। जितना भी मिल्की जो मीटर के साथ चिपका हुआ है आइसक्रीम, जितना भी सिलेंडर में चिपका है, वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और अपना मीटर अच्छे से प्रॉपरली वॉश हो जाएगा इसके अंदर। दोस्तों अभी हम इसमें से अपना पानी है वो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब देखिए पानी आना चालू हो गया है, अब देखिए कितना अच्छा धुंधला पानी, अच्छा हमने पानी डाला था लेकिन ये पूरा धुंधला पानी आ रहा है इसमें से, क्योंकि इसमें जो मिल्क का जो चिकास था, मिल्क का जो वाइट पन था, ये पूरा पानी के अंदर प्रॉपरली आ रहा है इसमें। अभी नेक्स्ट स्टेप में दूसरा हमारे पास पानी सादा वाला पना है, इसको वापिस पानी डालेंगे सादे वाले पानी को। थोड़ा आपने को हाथ या कपड़ा भी मार देना है, यहाँ पे टैंक अपना अच्छे से सफाई हो जाएगा। कपड़ा या आपको मशीन के साथ ब्रश दिया जाता है, आप ब्रश भी मार सकते हो इसमें। अब देखिए अच्छे से उसको टांकी को, इसका जो टैंक रहता है स्टोरेज को, उसको अच्छे से वॉश कर देना है अपने को, या तो आप हाथ से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई कपड़ा है या तो कपड़े से भी इसको अच्छे से साफ कर सकते हो। इसको भी दूसरे पानी को भी अराउंडली 1 से 1.5 मिनट तक वॉशिंग बटन के ऊपर चलने देना है, इसलिए दूसरा दौड़ भी अपना निकल जाएगा इसके अंदर से। अभी दूसरा पानी भी हम इसमें से निकाल देंगे यहाँ से। अब देखिए इसका कलर और लाइट हो चुका है, क्योंकि सेकेंड टाइम वॉशिंग है इसका। अभी तीसरा आएगा वॉशिंग इसका हॉट वाटर का, गर्म पानी का वाटर आएगा तीसरे नंबर पे। अभी आपको तीसरी बार वॉश जो करना है वो गर्म पानी डालना है इसके अंदर। इस टाइप का आपको किटली बजा गर्म पानी आपको इसे डाल देना है इसके अंदर। ये गर्म पानी डाल दिया, अराउंडली आपको गर्म पानी डालने के बाद अराउंडली 3 मिनट तक इसको वॉशिंग होने देना है, घूमने देना है 3 मिनट तक। 3 मिनट तक घूमने से इसका जो अंदर से मिल्क का स्माइल है, मिल्क का चिकासपन है, चिकनापन है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके अंदर, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, सिलेंडर साफ हो जाएगा, बीटर साफ हो जाएगा, इसका लाइनिंग पूरा साफ और क्लीन हो जाएगा। इससे अपनी मशीन एकदम हाइजीन और क्लीन हो जाएगी प्रॉपरली। अभी हमारे पास समय नहीं है वीडियो के अंदर 3 मिनट वेट करने का, इसलिए आपके सामने भी इसमें से हॉट वाटर गर्म पानी निकाल देते हैं इसमें से। आप देखिए ये प्रॉपरली इसका कलर हो, देखिए टोटली वाटर कलर हो चुका है, क्योंकि टोटली मिल्क का जो दौर था वो प्रॉपरली अच्छे से निकल चुका है। अब देखिए पानी का कलर देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बेहतरीन क्वालिटी से आपका मशीन क्लीन और वॉश हो चुका है। ये गर्म पानी हमने निकाल दिया इसमें से, अभी मशीन को हम बंद कर देंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे और मेन मेनू में आ जाएगा। अभी आपको मशीन को साफ सफाई करके मशीन को छोड़ देना है, आपको साफ सफाई हाथ से कपड़ा वपड़ा कहीं पे चिकना या कुछ भी है साइड में मशीन को रख देना है साफ करके। ये होगी आपका डेली प्रोसेस, रोजाना रोज सुबह मटेरियल डालने के बाद शाम को इस तरह से 5 से 7 मिनट का समय निकाल के मशीन को प्रॉपरली वॉश और क्लीन कर देना है। 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपको डीप क्लीन करना है, डीप वॉश करना है, तो यहाँ पे जो हेड दिया गया है हेड को आपको खोलना है। इसको हेड का बोल्ट आप खोले, एक बार इसको क्लीन हो जाने के बाद खोलना है आपको, ऐसे तुरंत नहीं खोल देना। एक बार ऐसे वॉश हो गया तीसरे दिन आपका, तो इसको ऐसे खोल देना है, ये बोल्ट है काले कलर का, इसको ऐसे अच्छे से खोल देना है, ओपन कर देना है इसको। ये बोल्ट खुल चुका है, आप देखिए उसके बाद ये हेड पूरा बाहर आ जाएगा, ये हेड पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ पे हेड आप बाहर आ चुका है। उसके बाद अंदर का यहाँ पे बीटर है, बीटर को आपको पकड़ के निकाल लेना है बाहर। स्विच बंद हो चुका है, अब इसको ऐसे प्रॉपरली निकाल देना। और इसके पीछे एक वाइसर लगा होगा, इस टाइप का वाइसर, वाइसर को भी निकाल के आपको कोई भी बॉक्स में ऐसे डाल देना है, डब्बे में, दिखाइए यहाँ पे ऐसे डब्बे में आपको डाल देना है।
और यहाँ पे ये हेड है, हेड में कई बार क्या होता है, इसका हैंडल है कई बार हार्ड हो जाता है, 15 दिन एक महीना में इसको हैंडल आपको दबाने में थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसको हार्ड को वापस सॉफ्ट करने के लिए इसको भी आपको खोल देना है, ऐसे खोल देना है आपको, ये हर 15-17 दिन में आपको जब भी हार्ड लगता है तब ये करना है, रेगुलर प्रोसेस नहीं करना है, हैंडल निकल चुका है इसका। उसके बाद ये इसका स्टड है, स्टड को इसे आपको निकाल देना है, स्टड निकाल के वापस अंदर डाल देना है। यहाँ पे एक पीछे ओरिंग लगा है इसके, ये रबर का किट भी निकाल देना है। इसको अच्छे से गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से ब्रश से साफ कर देना है, ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्रशिंग कर देना है, वॉश कर देना है अच्छे से, बीटर को वैसे तो ऑलरेडी धुला हुआ है लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, अपने हाइजीन के लिए इसको अच्छे से ब्रश कर देना है, हैंडल को अच्छे से ब्रश कर देना है, वाइसर को अच्छे से ब्रशिंग से साफ कर देना है, ये हेड है इसके होल में अच्छे से ब्रश कर देना है। एक बार इसको वॉशिंग होने के बाद इसका जो स्टड रहता है, मशीन के साथ आपको एक ल्यूब्रिकेंट लाइक ग्रीस, फूड ग्रीस की एक ट्यूब मिलती है, फूड ग्रीस की ट्यूब एक बार धोने के बाद, साफ होने के बाद, कपड़ा मारने के बाद, यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट का थोड़ा, ये ओरिंग दोनों है उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा ल्यूब्रिकेंट लगा के फिर इसको लगा देना, इसलिए आपका जो पुशिंग इसका जो स्टड का सॉफ्ट हार्ड था वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा प्रॉपरली। तो इस तरह से दोस्तों आप मशीन को डेली क्लीन और डीप क्लीन 2023 मशीन को आसानी से ये वीडियो देख के कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह के अलग अलग मशीन की सर्विसिंग, रिपेयरिंग, ऑनलाइन सपोर्टिंग के लिए दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी मशीन को चलाने में, मशीन को ऑपरेट करने में, मशीन को क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।